Hello everyone! वेलकम बैक टू परचम हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज में आज हम इंडिया का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिस पे रिसेंटली दो मूवीज भी पी एस वन एंड पी एस टू आई को देखा भी होगा और ये पूरी मूवी जो बनी है वो चोला पे ही है, राज राजा वन पे ही बेस्ड वो मूवी बनाई गई है तो आज हमें बात करने वाले हैं हम चोला एम्पायर के बारे में या चोला किंगडम के बारे में तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसके राइस का कारण क्या था फॉल कैसे हुआ कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर हुए और आठ आठ आर्किटेक्ट क्या था और इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था तो ये सारे बातों को आज हम डिस्कस करने वाले है भी जिसका आंसर आप हमें में दे सकते हैं विध इंडिया के बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं इसके अलावा दिल्ली सल्तनत मुगल सल्तनत विजयनगर एम्पायर उन सारे वीडियो को आप प्ले में जाकर देख सकते हैं और सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे जिससे उन तक भी इन सारी सीरीज का एडवांटेज पहुंचे और वो भी अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है अगर आप आज की क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे और परचम के एप्लीकेशन से आप हमारी क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं अदरवाइज मैं तो आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि हैंड रिटन नोट्स बनाइए क्योंकि वो लंबे समय तक रहते हैं और लंबे समय तक याद भी आप उसको रख सकते हैं तो हम बात करने वाले हैं चोला डायनेस्टी के बारे में और इनका एम्पायर कितना बड़ा था आप इस इमेज से अनुमान लगा सकते हैं बेसिकली ये जो कावेरी रिवर है कावेरी रिवर के किनारे आपको एक सिटी देखने को मिलेगी जिसका नाम है तंजौ और तंजौर ही इस चोला एम्पायर की कैपिटल थी और इतना लंबा ये एम्पायर था आप देख सकते हैं यहाँ पे चोला रूल कर रहे थे इन्होंने यहाँ पे जो कल्याणी मतलब वेस्टर्न चालुक ईस्टर्न चालुक पाला पाला के अलावा आप देखेंगे यहाँ पे इंडोनेशिया इंडोनेशिया जावा मलेशिया और फिर चाइना तक ये अपना ट्रेड करते थे यहाँ पर मॉलदीप और श्रीलंका ये पूरा एम्पायर जो है वो किसका है चोलास का है किसका है ये पूरा चोलास का है और जो आपका बंगाल की खाड़ी है ना ये बे ऑफ बंगाल तो बे ऑफ बंगाल चोलास के लिए एक लेक था आज हम जैसे बंगाल की खाड़ी इतना बड़ा समुद्र मानते हैं इन लोगों के लिए तो एक खिलौना था एक लेक था क्योंकि पूरी उनकी नेवी वगैरह यहाँ से रन होती थी इन लोग ट्रेड किया करते थे तो आज हम इस पूरे एम्पायर को समझेंगे इंपॉर्टेंट रूलर्स के साथ ओके सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन

महमूद ऑफ गजनी थे तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र वन आंसर क्या हो जाएगा राजेंद्र वन ऐसा एसएससी ने सही माना है तो हम भी उसको ही करेक्ट लेकर चल रहे हैं नेक्स्ट बात करेंगे सम एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर हेरिडिटरी ड्यूरिंग द राजकोटा एंड चोला डायनेस्टी द पोस्ट नगर श्रेष्ठी मीन तो नगर श्रेष्ठी किसे कहा जाता था जो कि मर्चेंट ऑफ सिटी था ठीक है तो ऑप्शन नंबर टू यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ओके okay? और भी क्वेश्चन है जो वीडियो के एंड में आपको मिलेंगे पहले हम इस टॉपिक तो हम या हमको कहाँ से चोलास के बारे में जानकारी मिलती है तो कई सारे हमको कॉपर इंस्क्रिप्शन कॉपर प्लेट देखने को मिलती है और थाउजेंड से ज्यादा टेन थाउजेंड से ज्यादा हमको इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं स्टोन पे जो कि हमें चोला हिस्ट्री के बारे में चोला किंगडम के बारे में बताते हैं इसके अलावा चोला जो पीरियड था वो तमिल लिटरेचर का गोल्डन एज माना जाता है और जो साउथ इंडिया में मैक्सिमम मंदिर है जैसे कि बृहदेश्वर मंदिर है और कई सारे जो बड़े बड़े टेम्पल्स है वो चोलाज नहीं बनवाए हैं तो जो आपका तमिल लिटरेचर का गोल्डन एरा माना जाता है वो चोला एम्पायर का ही पीरियड माना जाता है तो उनके समय पर कम्बन रामायण लिखी हुई है कम्बन रामायण लिखी हुई है और लिखा हुआ है यहाँ पे मुबारूला इन दोनों के जरिए हमको इस पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है जो आपको याद रखना एग्जाम में पूछा गया है हम बात कर रहे हैं उत्तर मेरूर उत्तर मेरू इंस, इंस्क्रिप्शन के बारे में जो कि बनवाया था प्रतांका चोल ने प्रतांका के चोल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे प्रतांका चोल ने इस इंस्क्रिप्शन को बनवाया था जिसमें हमें सेल्फ गवर्नेंस के बारे में जो विलेजेस थे जो गांव थे उनमें सेल्फ गवर्न गवर्नेंस थी कैसे लोकल बॉडी रन करती थी इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमको जानकारी यहाँ से मिलती है तो ये कुछ सोर्सेज है जिससे हमें चोलास के बारे में जानकारी मिलती है अगर हम बात करें तो इनका जो पीरियड है मिडिवल इंडिया में वो लॉन्गेस्ट पीरियड माना जाता है तमिल चोल डायनेस्टी रूल इन द सदर्न इंडिया एंड इट्स कंसीडर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी इन हिस्ट्री और इनका जो मेन एरिया है जहां पर इन्होंने रूल किया है वो कावेरी जो वैली है कावेरी रिवर का जो एरिया है वहां पर इन्होंने रूल किया है नाइन्थ सेंचुरी से लेकर थर्टीन सेंचुरी के बीच में ठीक है अब एक चोला जो डायनेस्टी है ना इसके तीन पार्ट्स होते हैं एक होते हैं अर्ली चोला एक होते इंपीरियल चोला और एक होते हैं लेटर चोला तो हमको यहाँ पे जो डिस्कशन करना है वो हमें इम्पीरियल चोलास के बारे में डिस्कशन करना है और यहीं से एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं क्योंकि लेटर चोला और अर्ली चोला के बारे में कहीं ज़्यादा जानकारी है ही नहीं फिर भी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देती हूँ लेकिन हमारा पूरा का, पूरा कहां पर बेस्ट रहेगा है लेकिन अभी तक भी कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट चोला किंगडम हमें नहीं है कुछ जानकारी हमें मौरियन एम्पायर में अशोका के इंस्क्रिप्शन से मिलती है और ऐसा बताया जाता है कि अर्ली चोला का जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो कौन थे करिकला चोला थे करी कला चोला कौन है अर्ली चोला के ग्रेटेस्ट रूलर है उसके बाद इनका टाइम पीरियड अचानक से खत्म हो जाता है कहीं पे लुप्त हो जाते हैं ये लोग गायब हो जाते हैं और आप देखेंगे ये संगम एज में इस संगम एज में आपको अर्ली चोला देखने को मिलेंगे इस संगम पीरियड में आपको अर्ली चोलास देखने को मिलेंगे उसके बाद देखो सातवाहन आए वाका आए और यहाँ पे आया काल आ, काला भरा काला बरा का जो पीरियड है यहाँ के बारे में कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं है कोई जानकारी नहीं है तो इसे ब्लैक एरा भी कहा जाता है इसे डार्क एरा भी कहा जाता है क्योंकि हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है लेकिन आप जब नाइनटीन एडी के आसपास पहुंचेंगे और पहले ले, ले लेते हैं 1815 फिफ्टीन एडी के पास जब आप पहुंचेंगे तब आपको यहाँ पे वापस से चोलास देखने को मिलेंगे अब इन्हें इंपीरियल चोला क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगी तो अर्ली चोला के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं अगर फिर भी पूछ लिया जाए तो बता देना कि इंस्क्रिप्शन से हमको जानकारी मिलती है आइए हम बात करेंगे इंपीरियल चोलास के बारे में ओके तो ये दक्षिण भारत है साउथ इंडिया है इसमें आपको तीन अलग अलग राजवंश देखने को मिल रहे होंगे तीन किंगडम देखने को मिल रहे होंगे कौन कौन से चेर पांडय एंड पल्लवाज कौन कौन से पल्लवाज है पांडे है और चेराज है ये तीन अलग अलग आपको टेरिटरी देखने को मिल रही है और यहां से बह रही है कावेरी नदी और इसी के किनारे बसा हुआ है तंजौर ठीक है इतनी चीजें अब आगे बात करते हैं ये जो चोला किंगडम है ये प्रेजेंट डे तमिलनाडु केरला और कुछ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश और, और कर्नाटका में फैला हुआ है अगर आज चोला था इसने तंजौर को कैप्चर कर लिया था और वहां पर दुर्गा मंदिर भी बनाया था वहां एक दुर्गा टेम्पल की स्थापना भी की थी हुआ क्या था जो तंजौर था ना तंजौर में मुतियार तंजौर में मुतियार जो था वो सामंत था पांडे का ठीक है मुतियार जो था वो सावंत था फ्यूडिशरी था उसको यहाँ पे डिफीट किया किसने विजयालय चोला ने और तंजौर को कैप्चर कर लिया और तंजौर में रूल करना शुरू कर दिया और वहां पर एक दुर्गा टेम्पल भी बनाया इस तरीके से यहाँ पे चोलाज का फाउंडेशन स्टोन रखा गया मिडिवल इंडिया में इनकी जो कैपिटल थी वो तंजौर थी बाद में जाके कैपिटल शिफ्ट भी की गई थी कैपिटल बना दी गई थी गांगी कोंडा चोलापुरम गांगी कोंडा चोलापुरम किसने बनाई थी कैपिटल अभी हम वीडियो में और अच्छे से समझेंगे इसके अलावा जो कांचीपुरम और मदुरई है कांचीपुरम और मदुरई दो इंपॉर्टेंट सिटीज थी चोला एम्पायर की अभी फिलहाल तो आपको पल्लव और पांड्या की दिख रही है लेकिन धीरे धीरे इन पूरे एरिया को पल्लवों को चेरों को इसके अलावा यहाँ पे राष्ट्रकूट है मैसूर है फिर यहाँ पे ईस्टर्न चालुक है यहाँ पे पाल है इस पूरे टेरिटरी को ये चोला जो है वो धीरे धीरे कैप्चर कर लेंगे अभी हम वो देखेंगे तो आपको क्या सीख लिया कि प्रेजेंट डे में चोला किंगडम कहाँ है तमिलनाडु केरला कुछ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में है फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था विजय विजयालय चोला ने रखा था एटीन एडी में किसे हराया था मुतियार को हराया था और तंजौर को कैप्चर किया था इनकी कैपिटल तंजौर थी बाद में तंजौर को कैपिटल शिफ्ट करके कहाँ पे कर दिया गया था गंगाई चोलापुरम में कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया था आइए एक एक करके हम इंपॉर्टेंट रूलर्स देखते हैं तो विजयालय चोला पहले फिर आदित्य वन आदित्य वन के बाद प्रकांता जिनका इंस्क्रिप्शन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था प्रकांता फिर राज राजा वन और राजेंद्र वन सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो आपको पढ़ने हैं जो गोल्डन पीरियड है जो चोला किंगडम का राइज पॉइंट है वो राज राजा वन और राजेंद्र वन का पीरियड है इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे और लास्ट रूलर कौन है राजेंद्र थर्ड लास्ट रूलर कौन होते हैं चोला किंगडम के तो राजेंद्र थर्ड होते हैं फर्स्ट विजयालय है, लास्ट राजेंद्र थर्ड एक एक करके थोड़ी थोड़ी बातें इनके बारे में बात करते हैं ठीक है इतनी चीजें आइए शुरू करते हैं तो सबसे पहले विजयालय ने फाउंडेशन स्टोन रखा विजयालय के बाद अगला जो राजा बनता है चोला किंगडम में वो कौन बनता है आदित्य या फिर आदित्य वन बनता है आदित्य वन सक्सीडेड विजयालय टू तो बिकम द रूलर ऑफ द एम्पायर और ये क्या करता है पल्लव किंगडम ऊपर देखो जल्दी से ये पल्लव किंगडम दिखाई दे रहा है ना पल्लव किंगडम का जो राजा होता है अपराजिता उसको डिफीट करता है और पल्लव किंगडम को एनेक्स करके चोलाज में मिला लेता है इस तरीके से किंगडम अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है ये बड़ा हो गया ठीक है थीके? क्लियर हुआ तो क्या करा इसने आदित्य ने क्या किया आदित्य चोला ने पल्लव किंगडम के राजा अपराजिता को डिफीट किया और उनकी टेरिटरी को एनेक्स करने का काम किया ठीक है अब यहाँ पे चोला जो एम्पायर है वो आप देखेंगे कहां से कहां तक है तो पेन्नार ऑन नॉर्थ पेन्नार ऑन नॉर्थ बेलोरू रिवर इन साउथ बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट एंड कुर्ग इन द वेस्ट तो इस तरीके से पूरा किंगडम जो हो गया वो चोला टेरिटरी हो गया नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे आदित्य वन के बाद अगला जो राजा बनता है वो प्रकांता बनता है कौन बनता है प्रकांता अगले राजा बनते हैं चोला किंगडम के और ये क्या करेंगे पांड्यास को डिफीट करेंगे किसे डिफीट करेंगे पांड्यास को डिफीट करेंगे और उनकी टेरिटरी को एक्वायर करने का काम कर देंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं चोलाज टेरिटरी कितनी बड़ी हो चुकी है इन्होंने पल्लवों को भी डिफीट कर दिया और पांड्यास को भी इन्होंने डिफीट करने का काम किया है क्लियर है इसके अलावा यहाँ पर उस समय उदय हो चुका था राष्ट्रकूटों का तो राष्ट्रकूटों के साथ भी ऑब्वियसली बात है जब चोलास की पावर इंप्रूव हो रही है चोलास अपनी टेरिटरी को एक्सपांड कर रहे हैं नए नए किंगडम को एनेक्स कर रहे हैं तो राष्ट्रकूट शांत सा, तो बैठेंगे नहीं तो राष्ट्रकूटों और चोलास के बीच में यहाँ पे फाइट होती है एक बैटल होती है ठीक है तो चोलास और राष्ट्रकूटों के बीच में जो बैटल होती है उसका नाम होता है तकोलम तकोलम बैटल बैटल ऑफ तकोलम यह बैटल लड़ी जाती है जिसमें क्या होता है राष्ट्रकूट हरा देते हैं चोलास को चोलास की बहुत बड़ी बहुत बुरे तरीके से हार होती है और उनकी टेरिटरी वापस से से थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है और इस इस लॉस को ओवर करने करने कम करने में उनको लगभग चालीस साल का समय टाइम पीरियड जाना जाता है वो ग्रेट बिल्डर ऑफ टेम्पल के लिए जाना जाता है इन्होंने काफी सारे बड़े मंदिरों का निर्माण किया और कई सारे मंदिरों का फाउंडेशन स्टोन भी रखा है इट ही प्रोवाइडेड द गोल्डन रूफ ऑफ द विमाना ऑफ नटराजन टेम्पल एट चिदम्बरम तो जो विमाना होता है ना मंदिरों के ऊपर जो जैसा स्ट्रक्चर होता है विमाना एक गोल्डन कलर का विमाना इन्होंने लगाया था चिदंबरम टेम्पल में ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं इनके बाद इनके बेटे राज राजा वन जो है वो अगले सक्सेसर uh, होते हैं अगले राजा बनते हैं चोला रूलर के तो राजा वन और राजेंद्र वन इन दोनों का जो टाइम पीरियड होता है वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्लोरी कहलाता है चोला पीरियड में आइए इन दोनों के पॉइंट को भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अब वो किन किन लोगों से फाइट करनी है किन किन लोगों से लड़ाई करनी है वो भी हम देख लेते हैं तो राष्ट्रकूटों के साथ हार हुई राष्ट्रकूटों के साथ जैसे ही हार हुई तो वापस से जो पल्लव पा, थे पांडे थे और चेर्स थे वो अपने आप वापस से इंडिपेंडेंट हो गए उन्होंने बोला राजा तो वीक है

यहाँ पे तो पहले राष्ट्रकूट जीत गए उसके कुछ समय बाद जो राष्ट्रकूट थे वो डिक्लाइन होने लगे और राष्ट्रकूट खत्म हो गए और राष्ट्रकूटों की जगह यहाँ पे कौन आ गए यहाँ पर आ गए चालुक्य तो यहाँ पर थे वेस्टर्न चालुक्य और यहाँ पर इस एरिया में होंगे ईस्टर्न चालुक्य तो वेस्टर्न और ईस्टर्न चालुक्यों के साथ भी चोलास के कई बैटल्स हुई है इनको एक एक करके हमें थोड़ा सा समझना है क्लियर है तो यहाँ पे आप लोग ने देख लिया कि बैटल ऑफ तक तकलोलम तकोलम हुई है किसके बीच में कृष्णा थर्ड कृष्णा थर्ड राष्ट्रकूट राजा है और चोलास के बीच में हुई है बैटल जिसमें चोलास डिफीट होते हैं और राष्ट्रकूट यहाँ पे जीत जाते हैं जिसके बाद यहाँ पे देखेंगे पांड्याज हो गए और आपके पल्लव हो गए वापस से इंडिपेंडेंट खुद को डिक्लेयर कर देते हैं और इस हार को रिकवर करने में इनको लगभग चालीस साल का समय यहाँ पर लग जाता है लेकिन जब ये रिकवर करके आते हैं तब तक राष्ट्रकूट जो है वो डिक्लाइन हो चुके होते हैं हम बात करने वाले हैं राजा वन के बारे में जिन्हें हम पोनियार के नाम से जानते हैं जो पीएस वन मूवी बनी है ना इनपे ही बनी है। पर चर्चा करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कौन थे अमर भुजंग, कौन थे? अमर, भुजंग. तो अमर भुजंग को डिफीट किया था इन्होंने और चोला वहां पे चोला स्टेबलाइज किया था चोला टेरिटरी बनाने की कोशिश वहां पे की थी पांडे रूलर मैप में समझ पा रहे हो ये जो पांडे हैं यहाँ पे राजा कौन है राज राजा वन के समय वहां पे राजा है अमर भुजंग इनको डिफीट किया फिर अगली बात करते हैं ये चेराज थे तो चेरास के पास इन्होंने अपनी नेवी भेजी थी चोरास ने क्या किया चेराज के पास अपनी नेवी भेजी और उस समय चेर के जो रूलर थे वो है भास्कर भास्कर विवर ठीक है इनको यहाँ पे हटाया था इनको डिफीट किया और चेरा चेरा नेवी को डिफीट किया और चेरा की जो टेरिटरी है उसको एनेक्स करने का काम किया ठीक है तो पल्लव को हराया पांडे को हराया और चेरा को हराया और पल्लव पांडव चेरा के जस्ट थोड़ी सी ऊपर मैसूर रीजन था तो मैसूर रीजन के भी जब तीन शहर थे गंगावाड़ी गंगावाड़ी के अलावा आप देखेंगे तड़ी गई पड़ी और नोलम बापड़ी ये तीनों जो रीजन थे मैसूर के उसको भी हरा के इन्हें भी एनेक्स करने का काम राज राजा वन ने कर लिया था ठीक है तो ये पूरा एरिया किसका हो चुका है ये राज राजा वन का ही पूरा एरिया हो गया है समझ आया ये पल्लव चेराज हटाए यहाँ से पांडे हटाए और यहाँ से मैसूर के रीजन को एनेक्स कर लिया तब तक राष्ट्रकूट डिक्लाइन हो चुके और राष्ट्रकूट की जगह आ चुके हैं वेस्टर्न चालुक्य ईस्टर्न चालुक्य डन अब बात कर लेते हैं हम आगे श्रीलंका की तरफ तो श्रीलंका में इन्होंने अपने बेटे राजेंद्र वन को भेजा राज वन ने अपने राजेंद्र वन को श्रीलंका भेजा और श्रीलंका के उस राजा थे महेंद्र तो को उसने डिफीट किया और श्रीलंका का जो नदन पोर्शन है नदन पोर्शन है श्रीलंका को उसको एनेक्स कर लिया और जो राजा था महेंद्र फाइव वो कहा चला गया सदन श्रीलंका में शिफ्ट हो गया और नदन जो टेरिटरी थी वो अब चोला किंगडम का हिस्सा बन चुकी थी अभी जो राज राजा वन है इनका जो लास्ट जो मिलिट्री कैंपेन था वो मालदीप में था इन्होंने मालदीप में अपना नेवल कैंपेन रन किया और उसके बाद मालदीप आइलैंड को कॉन्कर किया और मालदीप आइलैंड को भी चोला किंगडम का हिस्सा बनाया मतलब मालदीप भी कभी चोला किंगडम का हिस्सा हुआ करता था ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे फिर राज राजा राजा राज वन जो थे इन्होंने कई सारे टाइटल्स को एज्यूम किया था कौन कौन से टाइटल इन्होंने लिए थे खुद के लिए तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुमूदी चोला मुमूदी चोला और जैन कोंडा जैन कोंडा और मुमुदी चोला किसके टाइटल थे राजराजा राज वन के थे राजा राज राज वन ने एक बहुत बड़ा मंदिर तंजौर में बनवाया था टेन टेन एडी में जिसको आज हम वृद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं जिसको राजराजेश्वर राजेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो आपको याद रखना है वृद्धेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था तंजौर में है राज राजा वन ने इस टेम्पल को बनवाया था राज राजा वन के बाद उनके जो बेटे हैं राजेंद्र वन वो गद्दी पे बैठते हैं अब जैसे ही राजेंद्र वन गद्दी पे बैठते उस समय उनकी उम्र काफी कम रहती है तो लोगों को लगता है कि बच्चे को गद्दी पे बिठा दिया है तो अगेन सारी जो टेरिटरी हैं वो इंडिपेंडेंट होना शुरू कर देती हैं चेरा इंडिपेंडेंट हो गए पांडा इंडिपेंडेंट हो गए ठीक है और जो महेंद्र फाइव थे ना वो वापस से श्रीलंका के जो नदन टेरिटरी थे उसको एक्वायर कर लेते हैं और जो वेस्टर्न चालुक का है वो भी फाइट करना शुरू कर देते हैं राजेंद्र वन के साथ तो अब यहाँ पे राजेंद्र वन के पास काफी सारे चैलेंजेस है चैराज को डिफीट करना है पांडे को डिफीट करना है श्रीलंका के रूलर को डिफीट करना है और वेस्टर्न चालुकों को भी यहाँ पर डिफीट करने का काम करना है अच्छा ईस्टर्न चालुक के जो थे वो ज्यादा परेशानी नहीं दे रहे थे क्यों क्योंकि राजराजा राजा वन ने अपनी डॉटर राजा राजा वन ने राजावन राज ने अपनी बेटी की शादी ईस्टर्न चालुक्य के जो राजा थे वैंगी के राजा वैंगी के राजा से करवा दी थी तो इसलिए ईस्टर्न चालुक के साथ तो मेट्रोमोलियन अलायंस बन गई तो वो लोग हल्ला नहीं कर रहे थे वो लोग चुपचाप बैठे थे ठीक है तो राजावन ने अपनी बेटी की शादी याद रखेंगे किससे कराई थी ईस्टर्न चालुक के वैंगी के राजा से कराई रा थी तो इनके साथ एक मेट्रोमोलियन अलायंस बन गई तो ये लोग हल्ला नहीं कर रहे बाकी सारी जो टेरिटरी है आसपास की वो हल्ला करना शुरू कर दी है तो सबसे पहले ये कहा गए वेस्टर्न चालुक्य गए तो वेस्टर्न चालुक्य में उस समय राजा कौन थे जय सिम्मा सेकेंड थे तो इन्हें डिफीट किया इन्हें डिफीट करने के बाद डिसाइड किया कि तुंगभद्रा रिवर जो है जो कि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये तुंगभद्रा रिवर जो होगी वो चोल और चालुक्यों के बीच में क्या होगी एज अ बाउंड्री काम करेगी तो तुंगभद्रा रिवर किन दो टेरिटोरीज के बीच में किन दो किंगडम्स के बीच में बाउंड्री थी तो आंसर हो जाएगा वेस्टर्न चालुक्य एंड चोलास ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं राजेंद्र वन पहले ऐसे चोला किंगडम के राजा हैं जिन्होंने गंगा नदी मतलब अपना जो पहला मतलब अपना वेंचर किया था वो गंगा रिवर के पास किया था बैंक ऑफ गंगा रिवर पे किया था ठीक है इसलिए इन्हें विक्टर ऑफ गंगेज के नाम से भी जाना जाता है आगे हम इस पर और चर्चा करेंगे ओके आइए थोड़ा सा और बातें करते हैं इनका ही पीरियड जो है वो गोल्डन एज माना जाता है और इसके बाद आप देखेंगे कि चोला किंगडम जो है वो लगातार इसका डाउनफॉल होना शुरू हो गया आइए एक एक करके बात करते हैं अब ये जाएंगे कहां पर अब यहाँ पे जो राजेंद्र वन है वो पहुंचे श्रीलंका और श्रीलंका में महेंद्र फाइव को हराया और अब पूरे के पूरे श्रीलंका को एनएक्स कर लिया पूरे के पूरे श्रीलंका को एनएक्स कर लिया फिर पांडे को डिफीट किया और चेरास को डिफीट किया मतलब यहाँ पे देखो इनके साथ अलायंस कर ली है इनके साथ तो ऑलरेडी मेट्रोमोलियन अलायंस है और अपनी खुद की बेटी राजेंद्र वन ने भी अपनी बेटी की शादी जो है वो ईस्टर्न चालुक्य के राजा के साथ करा दी थी राजा राजा वन ने भी कराई थी और राजेंद्र वन ने भी करा दी तो यहाँ पे तो ये मेट्रोमोलियन अलायंस हो गया यहाँ पे तुंगभद्रा रिवर कि आपकी बाउंड्री हो गई बाकी चेराज को डिफीट कर दिया पांडे को डिफीट कर दिया और श्रीलंका को भी एनेक्स कर लिया मॉलदीप तो पहले से ही इनके रेगुलेशन में था तो इस तरीके से वापस से अपनी खोई खोई हुई जो सल्तनत थी इन्होंने वापस पाली राजेंद्र वन ने अब ये गंगा की तरफ जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं ओके हिज मोस्ट फेमस मिलिट्री एंटरप्राइज वॉज हिज एक्सपेडेशन टू नॉर्थ इंडिया नॉर्थ इंडिया गए थे ये युद्ध करने कैंपेन करने और इन्होंने क्रॉस किया था गंगा रिवर को और डिफीट किया था कई सारे रूलर्स को जिनमें से एक है महिपाल वन ऑफ बंगाल तो बंगाल के महिपाल वन को इन्होंने डिफीट किया था ठीक है तो पाल किंगडम तक ये पहुंच चुके थे जब इन्होंने गंगा रिवर को क्रॉस करा और उसके बाद वहां पे विक्ट्री हासिल की और वहां से लौटे तो एक नई सिटी बनाई एक नई सिटी कावेरी रिवर के पास ही बनाई जिसका नाम था गंगाई कोंडा चोलापुरम तो नई कैपिटल क्या बन गई इनकी गंगाई कोंडा चोलापुरम और वहां पर राजेश्वरम टेम्पल बनाया था तो राजेश्वरम टेम्पल किसने बनाया था राजेंद्र वन ने बनाया था तंजौर से कैपिटल किसने शिफ्ट की थी तो तंजौर से कैपिटल गंगाई कोंडा चोलापुरम राजेंद्र वन ने शिफ्ट की थी और वहां पर इन्होंने एक इरिगेशन टैंक भी बनवाया था जिसका नाम है चोला गंगम ठीक है एक टैंक भी बनाया था जिसका नाम है चोला गंगम इन्होंने श्रीलंका को एनएक्स कर दिया था जैसा कि मैंने आपको बताया और इन्होंने कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी बनाए थे पूरे के पूरे चोला किंगडम में इसलिए इन्हें पंडिता चोला भी कहा जाता है तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है कि पंडिता चोला किसे कहा जाता है तो राजेंद्र वन को पंडिता चोला कहा जाता है इतनी चीजें तो सही चली रही थी देखिए आप यहाँ पर जो सिटी है ना यही है आपकी गंगाई कोंडा चोलापुरम नई सिटी ओके राजेंद्र वन ने आगे जो मदुरई के तीनों किंगडम थे उनको तो एनएक्स वापस से कर ही लिया था अब ये भी अपने पिता की तरह भगवान शिव के भक्त थे मतलब शैवा को शिव को बिलोंग करते थे तो इसलिए जो अधिकतर टेंपल आपको देखने को मिलेंगे चोला किंगडम में भगवान शिव को ही डेडिकेटेड देखने को मिलेंगे इन्होंने भी कई सारे टाइटल एज्यूम किए थे जैसे कि पंडिता चोला इन्हें कहा जाता था इन्हें गंगाई कोंडम कहा जाता था गंगाई कोंडम के अलावा इन्हें मुंडी कोंडम कहा जाता था मुंडी कोंडन कहा जाता था और कडारम कोंडन के नाम से इनको जाना जाता था तो कौन कौन से टाइटल थे इनके पास मुंडी कोंडन गंगाई कोंडन इसके अलावा पंडिता चोलन एंड कडारम कोंडन। ये सारे टाइटल किसके हैं राजेंद्र वन के हैं तो पंडिता चोलन का तो आपको रीजन समझ में आया कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप कर रहे हैं गंगा रिवर के पास जाके बैटल कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे इनका नाम गंगाई कोंडन रख दिया अब यहाँ पे एक और है कधरम कोंडन ये नाम कहाँ से आया आइए उस पर हम चर्चा करते हैं तो उस पर चर्चा करने के लिए आपको इंडोनेशिया जाना पड़ेगा ये आपका सुमात्रा आइलैंड जावा आइलैंड यहाँ पे जो मलेशिया और मलेशिया के टिप पॉइंट पे आपको सिंगापुर देखेगा और बीच में आपको दिखेगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये जो पूरा किंगडम कहलाता था ये श्री विजय एम्पायर कहलाता था क्या कहलाता था श्री विजय एम्पायर के नाम से इसको जानते थे तो श्री विजय एम्पायर कहाँ था इंडोनेशिया वर्तमान इंडोनेशिया में था अब चोलास यहाँ पर थे तो चोलास को चाइना के साथ ट्रेड करना है चोलास को कहाँ ट्रेड करना है चाइना के साथ ट्रेड करना है और जब स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ये गुजरते थे तो इनको काफी ज्यादा टोल देना पड़ता था तो इसलिए क्या किया इन्होंने राजेंद्र वन ने अपने कैंपेन को रन किया कहाँ पर श्री विजय एम्पायर पे और श्री विजय एम्पायर मतलब इंडोनेशिया पे इन्होंने विजय हासिल की और ये जो एरिया था बेसिकली यहाँ पे जो एम्पायर था उसका नाम था काडरम इसलिए इन्होंने जो टाइटल लिया था वो काड्रम गोंडा टाइटल अडॉप्ट किया था क्लियर हो गई थी चीजें फिर राजेंद्र वन के बाद उनके सक्सेसर हुए वो उतने काबिल हो नहीं पाए और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि पूरा चोला किंगडम जो था वो लगातार डिक्लाइन होता गया उसका डाउनफॉल होता गया आप यहाँ पर पूरा छोला किंगडम को समझ सकते हैं ये मॉलदीप का हिस्सा इनका है ये वेस्टर्न चालुक्य है जिनके साथ इन्होंने ट्रिटी साइन कर ली है कि ये तुंगभद्रा रिवर जो है बाउंड्री होगी ईस्टर्न चालुक्य है ये इनके साथ तो मेट्रोपोलियन अलायंस है यहाँ पर थोड़ा सा एरिया जो पालास का था महिपाल वन को हराया था तो ये एरिया भी इनके अंडर ही आ रहा है फिर आप बात करेंगे यहाँ पर जो चेरास थे वो भी इनकी टेरिटरी पे है ये मदुरई का रीजन जो भी इनकी टेरिटरी आ चुका है पल्लव और पांडव भी इनकी रीजन में आ चुके हैं तो ये पूरा का पूरा जो किंगडम है वो चोला का है फिर श्रीलंका को भी एनेक्स कर लिया था मॉलदीप को एनेक्स कर लिया था और ये जो पूरा एरिया था इसमें एनेक्स किया था लेकिन रूल नहीं करते थे इनके जो फिडिशरी थे इनके जो सामंत थे वहां पर रूल किया करते थे और इनको ट्रिब्यूट किया करते थे इनको लोन वगैरह मतलब सॉरी टैक्स वगैरह पे किया करते थे ठीक है और इनका जो व्यापार चलता था वो कहाँ चलता था चाइना के साथ इनकी ट्रेडिंग होती थी अच्छी खासी क्लियर है तो विजयाला विजयाला हो हो गए आदित, राज वन हो गए आदित्य के बाद अगले जो राजा बनते हैं वो कुल्लू तुंगा वन बनते हैं और कुल्लू तुंगा वन ने कलिंगा में अपना स्ट्रॉन्ग रूल सेटअप किया था और लास्ट जो रूलर होते हैं वो राजेंद्र थर्ड होते हैं राजेंद्र थर्ड के समय तक चोला किंगडम काफी वीक हो जाता है और उस समय वापस से आते हैं कौन वापस से यहाँ पे पांडे आते हैं तो यहाँ पर आते हैं कौन जता वर्मन सुदर्श पांड्यन सेकेंड और इनकी जो फाइट होती है राजेन थर्ड के साथ होती है वापस ये पांडे एम्पायर को सेटअप कर लेते हैं ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर ये यह पूरी बैटल होती है अब बात करते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो चोला जो किंगडम था उसमें सबसे बड़ा होता था राजा सबसे बड़ा कौन होता था राजा जैसे हमारी कंट्री में जैसे सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई है वो कई सारे फैसले ले लेते हैं और उनके फैसलों को कोई चैलेंज नहीं करता वैसे ही जो सीजीआई थे या चीफ जस्टिस था वो कौन था किंग था और कई सारे मामलों में अपने सुनवाई करता था और फैसले देने का काम करता था ठीक है सबसे ऊपर कौन हो गया आपका एक सिंगल गवर्निंग फोर्स हो गए विच इज किंग अब यहाँ पे जो इनका पूरा किंगडम था कई सारे प्रोविंसिस में मतलब प्रांतों में डिवाइड था और उन प्रोविंस को हम मंडलम कहते थे क्या कहते थे मंडलम और हर एक मंडलम का मतलब हर एक प्रोविंस का अपना एक गवर्नर होता था जो उस मंडपम में अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करता था अब मंडपम के बाद ये जो प्रोविंस थे ये कई सारे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड थे जिले जिनको आप बोलते जैसे स्टेट हो गए स्टेट के बाद क्या आता है डिस्ट्रिक्ट आता है ना तो जिले तो जिले को क्या कहा जाता था नाडू कहा जाता था ठीक है नाडू कहा जाता था और ये जो नाडू थी वो कई सारे तहसीलों में डिवाइडेड थी आज भी हमारे कंट्री में ऐसे ही होता है ना जो जिले होते हैं वो कई सारे तहसीलों में डिवाइड होते हैं होते हैं ना तो वैसे नाडू जो था वो डिस्ट्रिक्ट था वो कई सारे तहसीलों में डिवाइड था जिनको आपने कुर्रम कह दिया और कुर्रम के बाद ग्रु, ग्रु, ग्रुप ग्रुप ऑफ विलेजेस मतलब कुर्रम है जिस तहसील के अंदर काफी सारे गांव हैं सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती थी विलेज होती थी सबसे छोटी यूनिट कौन सी थी विलेज होती थी और विलेजेस में क्या था सेल्फ गवर्निंग सिस्टम था सेल्फ गवर्निंग सिस्टम था सेल्फ गवर्नमेंट थी आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं समझ में आया सबसे ऊपर राजा राजा के बाद प्रोविंस डिवाइडेड है मंडलम मंडलम के बाद नाडू नाडू के बाद कुर्रम कुर्रम के बाद विलेजेस हैं चोला जो गवर्नमेंट थी उनका सबसे बड़ा जो सोर्स था इनकम का वो लैंड रिवेन्यू था एज अ टैक्स ऑफ द लैंड ये लेते थे इसके अलावा पोर्ट टैक्स फॉरेस्ट टैक्स माइन टैक्स कॉफी टैक्स ये सब भी लिया करते थे इनकी जो आर्मी थी काफी स्ट्रांग थी और नेवी तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी तो आर्मी जो थी वॉज मेड ऑफ द सेवनटी रेजिमेंट सेवेंटी रेजिमेंट से इनकी आर्मी बनी हुई थी और मैक्सिमम टाइम ये इम्पोर्ट करते थे अरेबियन हॉर्सेस को अरेबियन हॉर्सेस को इम्पोर्ट करने का काम चोलास किया करते थे ठीक है चोला किंग जो था वो चीफ जस्टिस की तरह काम करता था मेजर केसेस में यही सुनवाई करता था जो माइनर विलेजेस के छोटे मोटे डिस्प्यूट थे उनको विलेज असेंबली में रिजोल्व किया जाता था जो लैंड रिवेन्यू का डिपार्टमेंट था जिनमें आप टैक्स ले रहे हो तो लैंड रिवेन्यू का जो डिपार्टमेंट था उसका नाम है पुरा पुरावी वरी कलम ये इस डिपार्टमेंट का नाम है और कई सारे यहाँ पे यूनिट्स थी जो कि लैंड मेजरमेंट करने होती जैसे आज हम बात करते हैं एकड़ के बारे में हेक्टेयर के बारे में वैसे उस समय कई सारी यूनिट्स थी कुली माँ वेली पत्ती और मादागम ये सारे क्या है यूनिट्स है जिनसे हम लैंड मेजरमेंट कर रहे हैं अगर हम बात करें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो यहाँ पे दो प्रकार के गांव थे दो प्रकार के विलेजेस थे एक वो विलेजेस थे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग रहा करते थे और जो लोग टैक्स भी दिया करते थे इन्हें उर विलेज कहेंगे क्या कहेंगे उर विलेज और सेकेंड ऐसे विलेज थे जिसमें ब्राह्मण रहा करते थे और मोस्टली जमीन जो थी वो मंदिरों के पास थी और ये जमीन कैसी थी रेंट फ्री जमीन थी इस पर कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है और ऐसे विलेजेस को हमने अग्रहा अग्रहा टाइप टाइप ऑफ ऑफ विलेज विलेज कहा है तो विलेज थे, तो थे उसमें होती थी असेंबली जो ब्राह्मण विलेज थे उनमें सभा और महासभा का आयोजन किया जाता था और एक ऑटोनॉमी थी अपने फैसले लोग खुद लिया, लिया करते थे ठीक है बाकी गांव के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करते थे एक एग्जीक्यूटिव कमेटी थी जिसका इलेक्शन होता था तो इस इलेक्शन वगैरह के बारे में जानकारी आपको इस इंस्क्रिप्शन में मिलती है जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं कास्ट सिस्टम बिल्कुल चोला पीरियड में कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है सती प्रथा के साक्ष भी यहाँ पर मिलते हैं इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे शैव और वैष्णव के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेंगे और सोसाइटी में जो कास्ट का डिवीजन था वो दो पार्ट में था एक होते थे इदन गई और दूसरे है वदन गई इसके अलावा जो देवदासी सिस्टम भी प्रैक्टिस में चलता था चोला किंगडम में लिटरेचर के बारे में बात करते तमिल और संस्कृत लैंग्वेज यहाँ पे बहुत फ्लोरिश हुई है चोला पीरियड में कई सारे तमिल लिटरेचर लिखे गए हैं तो तमिल लिटरेचर का गोल्डन पीरियड जो है वो चोला पीरियड कहलाता है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको कम्बन रामायण याद रखनी है कम्बन की है जो कि तमिल भाषा में लिखी गई है अगली बात करेंगे पेरिया पुरनम ये किसकी है ये शिखी शिखी लर की है नेक्स्ट बात करेंगे नाला वेन्वा नाला वेन्वा जो है वो पुगल लेंदी की है ठीक है फिर केशवा स्वामी इन्होंने कंपोज किया है संस्कृत वर्ग जिसका नाम क्या है यहां पे नाना रावना समकेश्वरम समकेश्वम ठीक है है ये सब कुछ वर्क आई नो नाम थोड़े डिफिकल्ट है बट एक बार आप देख लेंगे ना तो आपको एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेट करने में तो एटलीस्ट मदद हो जाएगी अब हम चोला एम्पायर के कुछ आर्किटेक्ट्स को देखते हैं जैसे कि मैंने कहा था कि चोला एम्पायर के जो मंदिर थे वो द्रविण स्टाइल में बने हुए थे कौन से स्टाइल है द्रविणियन स्टाइल के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट मंदिर है बृद्धेश्वर मंदिर चोला पीरियड में बिल्ड हुआ था इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर अगला एक मंदिर है एरावतेश्वर टेम्पल एरावतेश्वर टेम्पल भी तंजौर में है नियर दारा दारासुरम इस मंदिर को राजा राजा सेकेंड ने बिल्ड किया है तो ये कुछ मंदिर आप देख लीजिएगा नेक्स्ट बात करते हैं ये ब्रोन्स की स्टेच्यूज के बारे में यह है लॉस्ट बैक्स या फिर सीरे पैरदू नेक्स्ट नटराज की स्टैच्यू नटराज के अलावा आपको अर्धनारेश्वर मूर्ति देखने को मिलेगी आइए इन पे भी चर्चा करते हैं तो सीरे पैर या लॉस्ट बैक्स ये जो कास्टिंग सिस्टम था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से है इसके अलावा इन लोग अलॉय बनाना जानते थे मतलब मेटल को मिक्स करना जानते थे इन्होंने कॉपर और जिंक को मिक्स करके ब्रोंज बनाया टिन को मिक्स करके क्या करा ब्रोंज बनाया और कई सारी ब्रोंज की स्टैचू आपको देखने को मिलेंगी भगवान शिव की डांसिंग करते हुए स्टैचू मतलब नटराज की स्टैचू आपको देखने को मिलेगी चोला पीरियड में इसके अलावा आपको तंजौर में भगवान शिव के कई सारे आइकॉनिक ब्रोंज स्टैचू देखने को मिलेंगे नेक्स्ट आपको एक यहाँ पे स्टैचू देखने को मिलेगी जो कि भगवान शंकर और भगवान आ, माता पार्वती जी की मैरिज से एसोसिएटेड है और एक अर्धनारेश्वर की मूर्ति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी तो ये सारी स्टैचूज जो है वो रिलेटेड किससे हैं चोला किंगडम से हैं ओके है सो okay so, आज हमने क्या क्या देख लिया हमने चोला किंगडम कहाँ से रेज हुआ? हुआ कैसे राइज हुआ कैसे फॉल हुआ कैसे इन्होंने अलग अलग बैटल करके अपनी टेरिटरी को बार बार एक्वायर किया बार बार उनसे उनकी टेरिटरी दूर हुई वो सारी चीजें हमने उनके देख लें अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि तंजौर का ब्रद्धेश्वर टेम्पल किसने बिल्ड किया था तो आंसर हो जाएगा यहां पर राज राजावन ने बिल्ड किया था ऑप्शन सी नेक्स्ट है लास्ट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी कौन है तो लास्ट रूलर कौन है राजेंद्र थर्ड है ठीक है ओ हाँ राजेंद्र थर्ड ऑप्शन डी नेक्स्ट है गंगाईकोंडा चोलापुरम ठीक है इसे चोलापुरम ये सिटी किसने बसाई थी महिपाला वन को डिफीट करके तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजेंद्र वन राजेंद्र वन ऑप्शन डी नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर ड्यूरिंग होम रीजन ऑफ चोला किंग द टेक्स ऑफ द तमिल पोइट अप्यार संबंदर एंड सुनंदर वर कलेक्टेड एडिटेड इनटू वन कंपाइलेशन कॉल्ड थ्रू मुर्रई थ्रू मुर्रई तो आंसर हो जाएगा यह बात भी राजेंद्र चोला वन के समय की है नेक्स्ट बात करेंगे चोला कौन से गॉड टाइगर तो right था ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वन फाइव ग्रेट लिटरेचर चिवाका चिंतामणि वॉज रिटर्न बाय चिवाका चिंतामणि किसने लिखा है तो यह लिखा है यहां पर टिशर इन्होंने लिखा हुआ है ये चिवाका चिंतामणि टेंथ सेंचुरी में चोला डायनेस्टी में और एक जैन पोएट थे ये तीर्थंकर ती, तीथंकर ओके नेक्स्ट बात कर लेते हैं किस इंस्क्रिप्शन में मेंशन है अबाउट द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोलाज ये इंस्क्रिप्शन आपको दिख रहे हैं जो सही आंसर आपको लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए इस तरीके से हमने काफी सारे वीडियोस कवर किए हैं मिडिवल इंडिया के एक का वीडियो और आएगा उसके बाद हम मिडीवल खत्म करके एंशियट इंडिया पर डिस्कशन करना शुरू करेंगे आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी अः कई बार थोड़ा सा नाम में अः अंतर हो सकता है बोलने में क्योंकि काफी बड़े लेंदी नाम है और पढ़ना भी थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप समझ पा रहे होंगे ऐसा मैं अनुमान लगा पा रही हूं तो so, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ तब तक अपना ध्यान रखिएगा टेक केयर एंड बाय बाय